जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और मारुति सुजुकी ने अपना कॉन्सेप्ट दिखाया है वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर। और अगर इस कॉन्सेप्ट को देखोगे तो 20 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में आने वाली ये वाली ईवी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि मारुति सुजुकी का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाला है, कमाल का दिखता है, एकदम भौकाल दिखता है। और अब आप पूछोगे कि यार ये कब लॉन्च करने वाला है। देखो, इसको पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में दिखाया गया था कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, और उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 तक ये अपने फाइनल अवतार में आ जाएगी। फिलहाल जो गाड़ी आप अपने सामने देख रहे हो उसमें बड़े बड़े टायर्स और जो ऐसे ब्लैक ब्लैक मिरर्स, और आपको बाहर की तरफ जो है स्क्रीन बेस्ड रियर व्यू मॉनिटर मिलेगा, वो सब चीज़ें फाइनल मॉडल में आए ये ज़रूरी नहीं है। बट उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ भी सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा वेरिएंट्स में इस गाड़ी को सोल्ड किया जाएगा। और ये ऑब्वियसली गाड़ी की प्रीमियम होने वाली है, तो या तो कंपनी नई डीलरशिप डालेगी EVs के लिए एक्सक्लूसिव, या फिर कुछ टाइम तक इसको नेक्सा के प्रीमियम डीलरशिप से ही बेचा जाएगा। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो न्यू मारुति EVX कॉन्सेप्ट के अंदर आपको डुअल पॉड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, नई ग्रिल मिलती है, सिल्वर कलर्ड मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो जो व्हील्स लगे गए ये ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बट इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे जब गाड़ी फाइनल आएगी। LED टेल लाइट्स, LED लाइट बार एट द रियर, जैसे कि बहुत सुंदर लगती है गाड़ी। फ्रंट डोर में जो है वो ORVMs माउंटेड है, बट ये वाले इलेक्ट्रिक ORVMs हैं, मतलब भाई अंदर की तरफ स्क्रीन रहेगी वैसे चलेगा। रियर वाइपर है, वॉशर है, रियर रूफ्स है, शार्क फिन एंटेना है, रियर बम्पर माउंटेड नंबर प्लेट भी आपको देखने को मिलेगी, और एक इंटीग्रेटेड स्पॉयलर भी देखने को मिलता है। अंदर की तरफ अगर बात करें तो कंपनी ने कुछ भी अभी रिवील करने से मना कर दिया, अंदर की तरफ कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। बट अगर बैटरी की मोटी मोटी बात करें तो 550 किलोमीटर की रेंज के साथ में 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको इसमें मिल सकता है, पर मल्टीपल रेंज ऑप्शंस भी मिल सकते हैं ताकि गाड़ी की प्राइस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। पहली इलेक्ट्रिक कार होने वाली है मारुति सुजुकी की तरफ से, तो एक लार्ज टच स्क्रीन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 2-स्पोक का मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील। और अगर बात करें कि ये कब लॉन्च होगी, तो 2025 के Q2 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है मारुति सुजुकी इसको लॉन्च करेगी। बाकी टाटा की कर्व जो है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आएगी डेफिनेटली, देखते हैं कि कब मार्केट में ये सब गाड़ियाँ जो है वहाँ की तहलका मचाती हैं। बताओ आपको कैसी लग रही है मारुति सुजुकी की EVX कौन सा।